बच्चों, ये वीडियो क्लास टेंथ के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर, ये टॉपिक बच्चों फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर की पिछली वीडियो आप अब तक पढ़ चुके होंगे, इसका नया टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले सही बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन लिखकर अटेंडेंस लगा दीजिए। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, समझिए। यहाँ पर वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फैराडे ने किया था। तो ये तो होगी बच्चों परिभाषा आपकी, ठीक। क्या है परिभाषा बच्चों, आपको ये नोट कर लेनी है और फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, यह वह प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। मतलब बेटा यह है, जब हम किसी बंद कुंडली में चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं या उसकी फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिस प्रभाव कहते हैं बच्चों हम लोग विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कहते हैं हम लोग प्रेरित धारा, ठीक। और इन दोनों के उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं बच्चे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका सर्वप्रथम परीक्षण या अध्ययन कहें तो ये किया था बच्चों फैराडे ने, और हम लोग आप इस पढ़ेंगे फैराडे के नियम या इसके परीक्षण। आपने अब तक बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में लिख लिया होगा, अब समझिए विद्युत चुंबक। ऑस्टर ने सन 1820 में यह आविष्कार किया कि जबकि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे ने यह विचार दिया कि इसके विपरीत प्रभाव भी पाया जाना चाहिए, इसका उल्टा भी पाया जाना चाहिए, ठीक। यदि हम लोग किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें तो तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो जानी चाहिए। तो फैराडे ने यह विचार था कि इसके विपरीत प्रभाव भी पाया जाना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए। इसकी खोज सन 1831 में फैराडे ने इंग्लैंड में तथा लगभग उसी समय हेनरी ने भी अमेरिका में अनेक प्रयोग किए। और फैराडे के कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं, तो फैराडे ने प्रयोग किए वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रयोग क्या है बच्चों, चित्र में देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं एक चित्र के अनुसार तार की एक कुंडली में दोनों सिरों में धारा मापी से जोड़ देते हैं, ठीक है, धारा मापी जोड़ देते हैं। हम छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले आते हैं, यानी चुंबक को कुंडली की ओर ले आते हैं, तो धारा मापी में एक क्षणिक विक्षेप होता है, सुई हिलने लगती है। तो सुई जब हिलेगी जब उसमें धारा बहेगी, तो इन्होंने कहा इससे सुई के हिलने से पता चलता है कि चुंबक की गति से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने पर धारा मापी में क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में होता है, अर्थात कुंडली में धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाती है। इसी प्रकार अगर उन्होंने देखा यदि चुंबक के ध्रुव को अब कुंडली के समीप लाते हैं अर्थात दूर ले जाए, धारा में क्षणिक विक्षेप पहले से उल्टा होता है। यदि अब ये इधर क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। यानी कुंडली में सापेक्ष चुंबकीय गति में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है। और ये होता क्यों है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। आप समझ गए होगे, परिपथ आपको वो लिखनी है। आपको आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम लोग फैराडे के नियम आपको करवाएंगे।